दोस्तों कार्गो शिप में जब कंटेनर की लोडिंग होती है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर्स लोडिंग करते वक्त पानी में गिर जाते हैं। कभी कभी कंटेनर के साथ क्रेन मशीन भी पानी में गिर जाती है। चलिए जानते हैं आखिर उन कंटेनर्स का क्या होता है और ये एक्सीडेंट होता कैसे है। दोस्तों जो कंटेनर लोडिंग करते वक्त गिर जाते हैं उन कंटेनर को अलग रख दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर कहीं ऐसा सामान हो सकता है जो गिरकर टूट गए हो। लेकिन जब बीच समुद्र में कंटेनर शिप से गिर जाते हैं तो उस कंटेनर को समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको उठाने के चक्कर में और भी कंटेनर पानी में गिर सकते हैं। लोडिंग करते वक्त कंटेनर्स के गिरने का मेन रीजन होता है क्रेन की चेन से कंटेनर का सही ढंग से नहीं लगा होना या छोटी क्रेन से बड़े और हेवी कंटेनर को उठाया जाना। इसमें कंटेनर सहित क्रेन पानी में चले जाते हैं। हर साल एवरेज 1200 से अधिक कंटेनर पानी में गिर जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें।